आज का दिन शामली के केराना में रहने वाले अजीत मंसूरी के लिए काफी अहम रहा। आज उनका सालों पुराना सपना पूरा हो गया। आखिरकार अजीत को अपनी सपनों की रानी मिल ही गई। अजीत का निकाह हापुड़ की रहने वाली बुशरा से हो गया। बुशरा की हाइट भी अजीत के लगभग ही है। नाचते गाते हुए अजीत बारात लेकर शामली से निकले थे। बारात लेकर जब निकले तो अजीत खुश नजर आए। आपने थाने में गुहार लगाई थी अपनी शादी की? ये शादी की आईडी दिख रही है यार। मेहरबानी, आपका भी धन्यवाद दे रहा हूँ। पूरी प्रशासन वालों का भी। अजीम अपने पिता की गोद में बैठकर शामली पहुँचे। कार में बैठते समय वो बार बार अपना सेहरा सही करते रहे। अजीम ने कहा, आज का दिन मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। मेरा निकाह हो चुका है। इस शादी को लेकर दोनों परिवार बहुत खुश हैं। निकाह होने के बाद परिवार के लोगों ने एक दूसरे को बधाई दी। दिन निकाह हुआ मिला बहुत गुरु दिल से यमोल कुछ का मेरे घर में भी दुल्हन आले। दरअसल शामली के कैराना में रहने वाले हाजी नसीम मंसूरी के सबसे बड़े बेटे अजीम को एक सपनों की रानी की तलाश थी और कई साल पहले वो काफी चर्चाओं में भी आए थे। अजीम लगातार अपने रिश्ते के लिए गुहार भी लगा रहे थे। ऐसे में उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व सीएम अखिलेश यादव तक उन्होंने मिलकर गुहार लगाई, मगर इसके बाद भी उसे अपने सपनों की रानी की तलाश पूरी ना हो सकी। जिसके बाद अजीम की एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई, वो काफी सुर्खियों में आ गए। अजीम मंसूरी 2019 में उस वक्त सुर्खियों में आए जब उन्होंने अपनी शादी के लिए थाने में गुहार लगाई थी। 2021 में भी अजीम मंसूरी शामली के महिला थाना और कैराना थाने में शादी के लिए कई चक्कर लगाए। इस बीच उनकी हाइट और शादी करने की इच्छा ने उन्हें सोशल मीडिया स्टार बना दिया था।